अच्छी क्रैक कर सकते हैं। सागर, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन फॉर क्रैकिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन? यस सर। सर एक्चुअली फॉर इंस्पिरेशन मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे सराउंडिंग्स में बहुत इंस्पिरेशन अवेलेबल थे, जैसे कि मेरी फैमिली और स्पेशली मेरी मदर, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। और उनका एक कहना था कि बेटा कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और कोई भी काम अगर आप पूरे मन से कर रहे हैं तो उसमें आपकी जीत जरूर होगी, चाहे वो डिले हो जाए, क्योंकि डिले होना इसलिए जरूरी हो जाता है कभी कभी कि आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिनको रेक्टिफाई करना होता है। तो उन्होंने बोला है कि हार नहीं माननी है, डिले होने दो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे और ईमानदार मन से अपना तैयारी शुरू रखो। और साथ में सर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि जहाँ मैं रहता था पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत था वहाँ पे, मेरे दोस्त लोग बहुत ही अच्छे थे जिनको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, और मेरे टीचर्स भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, तो मैं उनको भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों को मैं सर अगर आप इजाजत दो तो उनका मैं नाम ले सकता हूँ। बिल्कुल सागर, आप हमें बताएं कि आपके कौन से ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया ये ईएससी की जर्नी में? सर क्योंकि नाम लेना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि माइंडसेट बहुत अंतर हो जाता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता है, हर दिन आपको सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, 7 घंटे 8 घंटे जितना भी करना है उसके लिए आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो मेरे दोस्तों ने मुझे प्रोवाइड किया है। तो अतुल मिश्रा, मुन्ना भैया, निखिल, अनमोल, गोपाल, रविंदर, आलोक भाई, इन सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो अगर आपके दोस्त ये सुन रहे होंगे तो आपके वर्ड उन तक पहुंच रहे होंगे। और सागर ने एक बहुत अच्छा बात हमें बताया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं रहती। जो लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, अपनी प्रिपरेशन जारी रखना है, उनको सूनर और लेटर सक्सेस मिलेगा।